मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, इसी पंक्ति को चरितार्थ करती है ये दिव्यांग महिला जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेगांवा के अंतर्गत आने वाले उप स्वास्थ्य केंद्र के राजीवपुरा की रहने वाली है। 45 वर्षीय महिला गेंदाबाई कन्नौजे, जिन्होंने कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर पर खुद पहुंचकर ANM श्रीमती मनीषा मंडलोई से टीका लगवाया, वह नहीं अपने घर टीम के आने का इंतजार किया। यह उन लोगों के लिए करारा जवाब है जो पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर भी वैक्सीन टीम का घर आने का इंतजार कर रहे हैं और कुछ लोग तो घर आने वाली टीम से अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। उन्हें इस विकलांग महिला से प्रेरणा लेना चाहिए। इस दिव्यांग महिला के वैक्सीनेशन के प्रति विश्वास, जागरूकता, त्याग, समर्पण एवं दृढ़ निर्णय के साथ वैक्सीनेशन करवाया। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। काल टीकाकरण आया होता तो सब लगाओ घर घर आया होता टीकाकरण तो सब लगी हमको चला फिरा। जब भी हम आंगनवाड़ी में लगाई आया टीका तो जब आता है जब तुम जाओ नी टीकाकरण करना। नाम क्या है आपका? गेंदा। पिताजी का नाम? पिता नाम नहारती। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा मंडलोई, BMO सेगांवा। कोविड वैक्सीनेशन जो अभी चल रहा है उसमें हमारी स्वास्थ्य टीम है, जिसमें आशा, ANM, MPW, सुपरवाइजर, हमारे CHO सभी घर घर जाके कोविड वैक्सीनेशन लगा रहे हैं। सेगांव ब्लॉक के समीपस्थ एक रावजीपुरा गांव का नाम है, जहां पर आंगनवाड़ी केंद्र में एक दिव्यांग महिला आई और उसने खुद से स्वयं आकर वैक्सीन लगवाया। ये हमारे लिए बहुत सराहनीय और प्रेरणादायक बात है। बाकी लोगों को भी उनसे कुछ सीखना चाहिए। जब एक विकलांग महिला खुद से आंगनवाड़ी केंद्र में आके वैक्सीन लगवा सकती है तो बाकी लोगों के जब हम घर जा रहे हैं तो उन्हें भी वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। आप लोगों से मेरा आग्रह है, अनुरोध है, जो भी समझे आप, रिक्वेस्ट है, आप लोग भी सभी वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।